हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वॉम वेलकम टू शिक्षा सो गाइस करंट अफेयर्स एंड डेवलपमेंट इश्यूज़ का लेक्चर देखेंगे एंड इस लेक्चर के अंदर हम एमसीक्यूज नहीं देखेंगे इस लेक्चर के अंदर हम थ्योरी देखेंगे जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स हैं उनके अंदर क्या कुछ फाइंडिंग्स हैं वो हम देखेंगे तो मैंने आपको बोला था जब हम लिस्ट्स देख रहे थे कि हम बीच बीच में ये लेक्चर्स को डालते रहेंगे थ्योरी लेक्चर्स को क्योंकि थ्योरी भी कवर करना जरूरी है अभी क्योंकि हम सिर्फ एम सी क्यूज के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे तो प्रोसेस शायद थोड़ा स्लो हो जाए इसीलिए बीच बीच में भी थ्योरी लेक्चर्स भी आएंगे करंट अफेयर्स के ओके सो रिपोर्ट्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो भी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स हैं और काफ़ी क्रिस्प वे में हम करेंगे बहुत ज़्यादा उसके अंदर इधर उधर की जानकारी जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है हमारे स्पेसिफिकली ए पी एफ ओ के जो एग्जाम्स हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है वो हम स्किप कर देंगे ठीक है क्योंकि हमारा एम सी क्यू बेस्ड एग्जाम है उसी को ध्यान में रखते हुए ये लेक्चर्स को प्रिपेयर किया गया है अनवांटेड इन्फॉर्मेशन अनवॉन्टेड एनालिसिस को यहाँ पर हम जो है वो थोड़ा सा छोड़ेंगे जहाँ जो एनालिटिकल पॉइंट हमें ऐसा लगेगा कि हाँ स्टेटमेंट बन करके क्वेश्चन में आ सकता है उसको हमने ऐड किया है ओके एंड बिफोर गोइंग इन टू द स्टार्ट ऑफ द क्लास यूट्यूब की जो भी ये लेक्चर्स हो रहे हैं जैसे ये वाला लेक्चर इसके पी डी एफ फाइल्स आप एक्सेस कर सकते हो सब्सक्रिप्शन लेके एक छोटा सा या फिर आप एम सी क्यू कॉम्बो कोर्स ले लेना इंडस्ट्री रिलेशन लेबर लॉ सोशल सिक्योरिटी गैप के उसके अंदर आपको एम सी क्यूज मिलते हैं प्लस उसके अंदर आपको पी डी एफ फाइल्स भी इंक्लूडेड मिलेंगी यूपीएससी पी कोड यूज़ करना है फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट के लिए आफ्टर डिस्काउंट आपको ये थ्री हंड्रेड रुपीज़ का पड़ता है काफ़ी काफ़ी वर्थ इट है एंड अगर कोई पेइंग कैपेसिटी में किसी के प्रॉब्लम है अफोर्ड नहीं कर सकते प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर दें पर्सनली ठीक है उसको भी हम कुछ ना कुछ एक्सेस देंगे इसमें ठीक है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है फ्री में देना होगा तो फ्री में भी दे देंगे अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है लेकिन उसमें आ, आ मैं ट्रस्ट के ऊपर चलता हूं तो कोई अगर मुझे बोलेगा कि सर मेरी अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो मैं उससे ज्यादा सवाल जवाब नहीं करता हूं तो ट्रस्ट के ऊपर काम करना है आप लोगों ने भी ठीक है चलिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करेंगे सबसे पहले 2021 22 में जो पब्लिश हुआ था एचडीआई 1990 में बेसिकली कांसेप्ट आया था जब ईस्ट पाकिस्तान के जो इकोनॉमिस्ट थे अब वैसे तो यहाँ पर बांग्लादेश लिखा होना चाहिए था महबूब उल हक ने ये डेवलप किया था एच का कंसेप्टी पी रिलीज करता है अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में इसमें तीन बेसिक डायमेंशन होती हैं एक तो लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ एक्सेस टू एजुकेशन और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अब ये जो तीन डायमेंशन हैं इसके अंदर चार इंडिकेटर आते हैं आपके जिसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ ये लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ के अंदर आ जाता है एक्सेस टू एजुकेशन में दो क्राइटेरिया हैं मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग बेसिकली एवरेज कितना टाइम स्कूलिंग हो रही है एक पर्सन की एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ओके एंड फिर आ जाता है आपका डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम तो तीन डायमेंशन है चार इंडिकेटर्स है ये याद करने पड़ेंगे पेपर के अंदर वो डायरेक्टली पूछ सकता है ठीक है जी कि इनमें से क्या डायमेंशन है एच का या क्या इंडिकेटर है एच का अब रैंकिंग के ऊपर अगर हम देखें तो इंडिया की रैंकिंग 2020 के अंदर वन थर्टी थी दो के अंदर इट वाज 132 और एच वैल्यू भी अगर आप देखो इसमें ज़ीरो टू वन की स्कोरिंग होती है ज़ीरो वर्स्ट वन बेस्ट तो स्कोरिंग अगर आप देखो इंडिया की पॉइंट सिक्स थ्री थ्री थी तो हमारी जो वर्ल्ड एवरेज है ना उससे कम है एच वैल्यू टॉप फाइव की देखने की जरूरत नहीं है सिर्फ टॉपर को देख लो स्विट्जरलैंड है और सबसे नीचे आपकी बुरुंडी है ओके सो दिस इज योर एच नेक्स्ट है जी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यूएन इसको पब्लिश करता है ओके एंड बेसिकली ये जो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का कंसेप्ट है इसको ऑक्सफर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ने डेवलप किया था यूएनडीपी के साथ मिलकर के और ये रिपोर्ट कहती है कि फोर मिलियन पुअर पीपल ऐसे हैं जो आपके दस के दस एम इंडिकेटर्स में डिप्राइव्ड हैं ठीक है तो बेसिकली इंडिकेटर का क्या सिस्टम है देखो इसके अंदर भी तीन डाइमेंशंस हैं जैसे एचडीआई के अंदर है वैसे ही तीन डाइमेंशंस हैं यहाँ पर नंबर वन इज हेल्थ टू एजुकेशन एंड थ्री लिविंग स्टैंडर्ड्स अब ये जो तीन डाइमेंशंस हैं ना ये फर्दर सब डिवाइडेड हैं आपके टेन इंडिकेटर्स के अंदर और हर की वेटेज है अब जैसे देखो हेल्थ है हेल्थ जो है उसके दो इंडिकेटर हैं सब इंडिकेटर्स हैं न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टैलिटी दोनों की वेटेज वन बाय सिक्स वन बाय सिक्स है एजुकेशन के अंदर भी दो हैं ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस इनकी भी दोनों की वेटेज वेटेजन बाय सिक्स है उसके बाद तीसरे नंबर पर है लिविंग स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड में आपके छह इंडिकेटर्स हैं इसमें देखोगे आप तो कुकिंग फ्यूल सैनिटेशन ड्रिंकिंग वाटर इलेक्ट्रिसिटी हाउसिंग एसेट इनकी सबकी वेटेज वन बायीन वन बाई एटीन है ठीक है तो आपको ये तीनों डायमेंशन और इनके इंडिकेटर्स भी याद रखने ईजी है इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है अभी देखने में लग रहा होगा कि डिफिकल्ट है हेल्थ ईजिली याद हो जाता है कि भाई चाइल्ड मॉटैलिटी न्यूट्रिशन एजुकेशन ईयर ऑफ स्कूलिंग स्कूल अटेंडेंस लिविंग स्टैंडर्ड में कुकिंग फ्यूल आ गया सैनिटेशन आ गया ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा बिजली घर एसेट ईजिली हो जाता है बहुत डिफिकल्ट नहीं है एक दो बार पढ़ने में हो जाता है इंडिया स्पेसिफिक फाइंडिंग की अगर हम बात करें इस रिपोर्ट के अंदर तो रिपोर्ट बोलती है कि देखो इंडिया में पॉवर्टी में तो रिडक्शन अच्छा खासा देखने को मिला जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की हमारी अचीवमेंट को शो करता है कि हम 50 परसेंट पॉवर्टी रिड्यूस कर देंगे 2030 तक पॉसिबल है रिपोर्ट कहती है कि इंडिया के अंदर फोर्टी करोड़ लोगों ने पॉवर्टी से बाहर निकले दो हजार से दो हजार के बीच में तो अच्छा परफॉर्मेंस है ठीक है सो बट प्रॉब्लम क्या हाईलाइटेड है रिपोर्ट के अंदर कि 22.8 करोड़ अभी तक ऐसे हैं जो मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं और इन 22.8 में से 9.7 जो हैं वो बच्चे हैं सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट बिहार के अंदर देखने को मिली है 2015-16 में ये पुअरेस्ट स्टेट था और फास्टेस्ट रिडक्शन जो है एम वैल्यू में एब्सोल्यूट टर्म्स में बिहार में देखने को मिली है तो अच्छी परफॉर्मेंस है नेक्स्ट आ जाता है आपका ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करता है एंड बेसिकली 2006 से इस रिपोर्ट को रिलीज किया जा रहा है इसके भी चार की डायमेंशनस हैं क्या डायमेंशन हैं इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड ऑपरचुनिटी बेसिकली वुमेन कितना इकोनॉमिक uh, पार्टिसिपेशन उनका क्या है अपॉर्चुनिटी के अंदर उनका क्या uh, 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 जो गैप है रिलेटेड टू मेन एजुकेशनल अटेनमेंट के अंदर हेल्थ एंड सर्वाइवल पॉलिटिकल एम्पावरमेंट तो ये सब इसके की डायमेंशनज हैं ठीक है इसके अंदर भी आपका जीरो टू वन का स्कोर होता है वन का मतलब पूरी जेंडर पैरिटी है कोई भेदभाव नहीं है आदमी और औरत में और जीरो का मतलब कंप्लीट इम्पेरिटी है कंप्लीट जेंडर पैरिटी तो किसी कंट्री ने अचीव नहीं किया लेकिन जो बेस्ट स्कोरिंग है वो आइसलैंड की है नाइन्टी परसेंट इन्होंने जेंडर गैप क्लोज कर दिया है रैंकिंग की अगर हम बात करें इंडिया की तो 2022 में इंडिया का रैंक 135 था 21 में 140 था आपको लगेगा कि इम्प्रूवमेंट है बट इम्प्रूवमेंट नहीं है 2021 की जब रैंकिंग हुई थी जब 140 रैंक था तब 156 कंट्रीज थी और 2022 की रैंकिंग के टाइम पर 146 कंट्रीज थी तो 10 कंट्रीज़ कम हो गई इसी वजह से हमारा पाँच रैंक कम हुआ है क्योंकि स्कोर में भी आप देखोगे तो कोई बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है इक्कीस इक्कीस में हमारा स्कोर पॉइंट था बाईस में पॉइंट सिक्स टू नाइन था बेस्ट हमने परफॉर्म जिस डायमेंशन में किया है वो है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जिसके अंदर हमारा रैंक फोर्टी एट है ठीक है बाकी के जो अगर आप रैंक्स देखोगे इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी वन फोर्टी थ्री एजुकेशन अटेनमेंट वन जीरो सेवन हेल्थ एंड सर्वाइवल इसमें सबसे खराब है 146. स्कोर आप सिर्फ ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का ओवरऑल स्कोर याद रख लेना वो भी सिर्फ 2022 वाला और रैंक उसके अलावा बाकी के जो हैं इनके सिर्फ रैंक थोड़े से दिमाग में रख लोगे तो चल जाएगा ये स्कोर वगैरह याद करने की इनके जरूरत नहीं है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 ये जो रिपोर्ट है इसका टाइटल था एट बिलियन लाइफ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज द केस फॉर राइट्स एंड चौसेज तो थोड़ा सा टाइटल को याद रखना पड़ेगा यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड इसको रिलीज करता है रिपोर्ट क्या बोलती है रिपोर्ट बोलती है कि जी वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो स्लो हो रही है 1950 से दो हमारी पॉपुलेशन आठ बिलियन से ऊपर हो गई है पूरी दुनिया की बट जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो स्लो डाउन हुआ है डेमोग्राफिक डिविडेंड को इन्होंने हाईलाइट किया कि इंडिया की जो फिफ्टीन टू सिक्सटी फोर की पॉपुलेशन है जिसको वर्किंग पॉपुलेशन इस रिपोर्ट ने कंसिडर किया है वो सिक्सटी एट परसेंट है इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी को यहां पर हाईलाइट किया गया है कि मेल्स के अंदर 71 इयर्स एंड फीमेल्स की 74 इयर्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है पॉपुलेशन में इस रिपोर्ट ने बोला कि इंडिया ऑलरेडी चाइना को जो है पीछे छोड़ चुका है हमारी पॉपुलेशन जो है 1428.6 मिलियन की पॉपुलेशन इन्होंने हाईलाइट की है ठीक है 68% ये डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला पॉइंट आ गया 65 प्लस जो हमारे पास पॉपुलेशन है जिसको डिपेंडेंट पॉपुलेशन कंसीडर किया जाता है वो है 7% टोटल फर्टिलिटी रेट जो इंडिया का रिप्लेसमेंट रेट है से वो कम होकर के टू हो चुका है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी ओवरऑल की है TFR आप सब जानते हो कि बेसिकली एक तरीके से TFR को अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोलू ऑन एन एवरेज पर वुमेन कितने बच्चे हैं तो टीएफआर उसको डिफाइन करता है ठीक है और रिप्लेसमेंट रेट क्या होता है कि अगर हमें अपनी करंट पॉपुलेशन को मेंटेन करना है तो उसके लिए पर वुमेन ऑन एन एवरेज क्या फर्टिलिटी रेट होना चाहिए तो सरकार बोलती है टू पॉइंट वन का होना चाहिए लेकिन अब हमारा उससे कम हो गया है दो का हो गया नेक्स्ट है जी वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट वर्ल्ड अर्बन पॉपुलेशन जो था टाइटल था टाइटल इस रिपोर्ट का हैबिटेट ने इसको रिलीज किया है तो रिपोर्ट बोलती है कि देखो अर्बन पॉपुलेशन तो ग्रो करेगी आने वाले समय के अंदर और स्पेशली जो लो इनकम कंट्रीज है ना वहां पर अर्बन पॉपुलेशन बढ़ेगी तो रिपोर्ट कहती है कि 2021 में 56 परसेंट है जो अर्बन पॉपुलेशन वो 2050 तक आते आते 68 परसेंट हो जाएगी इंडिया की अगर हम बात करें तो रिपोर्ट कहती है 2035 तक 43.2 परसेंट इंडिया की पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रहेगी और ये सेकंड हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन होगी चाइना के बाद इस रिपोर्ट में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को इन्होंने हाईलाइट किया जिसका नाम है फिफ्टीन मिनट सिटी कंसेप्ट ये क्या बोलते हैं कि सिटीज को इस तरीके से प्लानिंग करनी है कि एक जो इंडिविजुअल है उसकी जो डेली की नीड्स है उसको ऑफिस जाना है उसको ग्रोसरी स्टोर जाना है उसको सब्जी मंडी जाना है उसको मॉल जाना है उसको एंटरटेनमेंट के लिए कहीं जाना है तो वो सब जो है वो उसके पंद्रह मिनट के डिस्टेंस में होना चाहिए जिससे आप ओवरऑल अर्बन एरियाज के अंदर कंजेशन और ट्रैफिक्स को अवॉइड कर सको नेक्स्ट आ जाता है आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है इसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स या जिनको रिपोर्टर्स हैं फ्रंटियर्स कहा जाता है वो पब्लिश करते हैं 2002 से यूपीएससी में ही दो तीन बार क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर इसमें जो रैंकिंग होती है उसमें स्कोरिंग होती है जीरो टू हंड्रेड जो हर कंट्री को दी जाती है हंड्रेड बेस्ट पॉसिबल स्कोर होता है और जीरो जो है वो वर्स्ट है इसमें इंडिकेटर्स के बेसिस पे कंट्रीज को इवेलुएट किया जाता है पॉलिटिकल कंटेक्स लीगल फ्रेमवर्क इकोनॉमिकल कंटेक्सट और सेफ्टी ये पांच इंडिकेटर्स हैं इंडिया की रैंकिंग 2022 में 150 फिफ्टी आउट ऑफ वन कंट्रीज थी काफी पुअर रैंकिंग है तो उससे आइडिया लग जाता है कि हमारे यहाँ पर प्रेस कितनी फ्री है नेक्स्ट आ जा जाता है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स इसको रिलीज करता है यूरोपियन इंटेलिजेंस यूनिट ठीक है जी उसके बाद वन सेवेंटी थ्री सिटीज़ को इसमें रैंक किया गया था लिवेबिलिटी के ऊपर पांच इसके अंदर फैक्टर्स हैं स्टेबिलिटी कितनी है एक सिटी में हेल्थ केयर फैसिलिटीज कैसी हैं कल्चर कैसा है वहाँ पर कल्चर और एन्वायरमेंट उसके बाद एजुकेशन को देखा जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को देखा जाता है टॉप किया है वियना ने जो ऑस्ट्री ऑस्ट्रिया में है उसके बाद कॉपिन और जूरिक है बस आप वियना याद रख लेना टॉप लीस्ट में uh, जो है उसमें ट्रिपोली लेगॉस डोमेस्कस जैसी सिटीज आती हैं यूक्रेन की जो कैपिटल है कीव उसको इस बार इंक्लूड नहीं किया गया क्योंकि वॉर चल रहा है जाहिर सी बात है पहली बार इंडिया की भी पांच सिटीज को लिस्ट किया गया है लेकिन पांचों ने बहुत बुरा परफॉर्म किया है दिल्ली मुंबई चेन्नई अहमदाबाद बेंगलोर को लिस्ट में ऐड किया गया और इनकी जो रैंकिंग है 140 से 146 के बीच में है, तो काफी नीचे हैं बारे में नेक्स्ट इज इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023 ट्वेंटी थ्री सो इसको रिलीज करता है यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स और ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनको बेसिकली इवेलूएट करती है फिफ्टी फाइव इकोनॉमीज़ को ये इवेलुएट करती है जिनको ये लीडिंग इकोनॉमीज़ कंसिडर करती है जो अराउंड नाइन्टी परसेंट ग्लोबल जी डी पी को रिप्रजेंट करते हैं तो रिपोर्ट में बेसिकली पेटेंट कॉपी राइट लॉज आई पी एसेट्स को कैसे लोग मोनिटाइज कर रहे हैं वो सब है इंडिया का रैंक फोर्टी सेकेंड है आउट ऑफ फिफ्टी फाइव कंट्रीज़ एंड रिपोर्ट बोलती है कि इंडिया जो है वो तैयार है लीडर बनने के लिए इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर एंड अपनी इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए थ्रू आईपी इनोवेशंस फिर आ जाता है आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इसको रिलीज किया गया था इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस पे जो मार्च बीस को सेलिब्रेट किया जाता है एंड इलेवेंथ एडिशन था इस साल जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है ये बेसिकली लोग कितने खुश हैं ठीक है उनकी इकोनॉमिक और सोशल डाटा को एनालाइज करके इसको पब्लिश किया जाता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क इसको पब्लिश करता है छह इसके अंदर फैक्टर्स हैं सोशल सपोर्ट इनकम हेल्थ फ्रीडम जेनेरोसिटी एबसेंस ऑफ करप्शन ठीक है support, income, health, freedom, जी इसके अंदर जो रैंकिंग निकाली जाती है एनुअली वो पिछले तीन साल के डाटा का एवरेज लेकर के निकाली जाती है 2023 में जो मार्च में बेसिकली रिपोर्ट आई थी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी मार्च 2023 में ही रिलीज हुई है 137 कंट्रीज को इन्होंने रैंक किया है ओके लगातार सिक्स ईयर फिनलैंड जो है वो वर्ल्ड हैपीएस्ट कंट्री उसको नेम किया गया है फॉलोड बाय डेनमार्क एंड आइसलैंड तो देखो इंडिया में से कितने सारे लोग भागते हैं कनाडा, यूएस इन सब ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज में भागते हैं मैं तो बोलता हूँ आपको जाने का ट्राई करना चाहिए फिनलैंड जैसी कंट्रीज में जहाँ पर हैप्पीनेस को एक प्राइमरी कंसर्न दिया गया इट इज नॉट ओनली अबाउट अर्निंग मनी इसराइल को फोर्थ पोजिशन पे रखा गया पाँच पॉट्स ऊपर है लास्ट ईयर से अनहैपीएस्ट में अफगानिस्तान है वन थर्टी सेवेंथ ओके यूक्रेन की भी रैंकिंग इंप्रूव हुई है नाइन्टी एट टू नाइनटी टू रशियन इन्वेजन के बाद भी तो देखो रिपोर्ट के हाल तो बुरे ही हैं क्योंकि तीन साल की एवरेज लेता है ठीक है ओवरऑल स्कोर जो है वो कम हुआ है इंडिया का रैंक वन ट्वेंटी सिक्स है दो हजार बाईस में हम वन थर्टी सिक्स थे तो दस रैंकिंग इंप्रूवमेंट है लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे जो नेबर्स हैं जैसे नेपाल चाइना बांग्लादेश श्रीलंका इनफैक्ट पाकिस्तान इनको हमसे अच्छी रैंकिंग दी गई है मतलब ये यहाँ के लोग हमसे ज्यादा खुश हैं इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नेक्स्ट है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 एनुअल रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है ओके और इसके अंदर इंटरनेशनल माइग्रेशन से रिलेटेड एनालिसिस प्रोवाइड किए जाते हैं कि कैसे यह माइग्रेशन जो है बाकी कंट्रीज की ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी को भी इफेक्ट करती है पॉजिटिव या नेगेटिव वे के अंदर रिपोर्ट बोलती है कि जो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट्स हैं उसको मैक्सिमाइज करें उसके डेवलपमेंट इम्पैक्ट को मैक्सिमाइज करें जिससे डेस्टिनेशन और ओरिजिन कंट्रीज दोनों को फायदा हो रिपोर्ट की फाइंडिंग्स ने यह भी बोला कि जो ज्यादातर माइग्रेंट्स हैं या रिफ्यूजीज हैं वो लो या मिडिल इनकम कंट्रीज से हाई इनकम कंट्रीज के अंदर माइग्रेट करना चाहते हैं वन ट्वेंटी परसेंट इनकम गेन हुआ स्पेशली अब आप रिपोर्ट कहती है कि जो इंडियंस ने ओवरसीज के काम कर रहे हैं इंडिया के मुकाबले इनकम गेन हुआ इंटरनल माइग्रेशन में एक शहर से दूसरे शहर में चालीस परसेंट का अगर इनकम गेन होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई यूपी से महाराष्ट्र आकर के काम कर रहा है कि भाई ज्यादा पैसा मिलेगा तो चालीस लेकिन अगर यही कनाडा चला गया तो 120 परसेंट का इनकम गेन है टॉप माइग्रेशन कॉरिडोर्स बेसिकली जो माइग्रेशन हो रही है इंडिया और यूएस इंडिया और गल्फ काउंसिल जो आपकी गल्फ कंट्रीज है बांग्लादेश और इंडिया के बीच में काफी ज्यादा हो रहा है बांग्लादेश से इंडिया में इन्फ्लक्स आ रहा है मैक्सिको से यूएस चाइना यूएस फिलीपींस यूएस कजाकिस्तान रशिया ये मेन माइग्रेशन कॉरिडोर्स हैं नेक्स्ट है आपकी ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट इसको रिलीज किया था इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एंड रिपोर्ट बोलती है कि देखो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन से कुछ नहीं होगा ठीक है आपको लंबे समय के लिए और जो इक्विटेबल वे में फूड प्रोवाइड करे दुनिया को ऐसे सोल्यूशन फाइंड आउट करने पड़ेंगे तीन की एरियाज हैं जहां पर रिपोर्ट uh, फोकस करने को बोलती है सबसे पहले क्राइसिस प्रेडिक्शन की आप क्राइसिस को प्रेडिक्ट कर पा रहे हो और उनके लिए प्रिपेयर कर पा रहे हो दूसरा आप अपनी रेजिलियंस को बिल्ड कर पा रहे हो कि क्राइसिस आने से पहले आप अपने आप को तैयार रख पा रहे हो ठीक है और उसके बाद अगर क्राइसिस हो जाता है तो जो रिस्पांस है वो सपोर्टिव होना चाहिए और वो रिस्पांस वुमेन फोर्स माइग्रेंट्स और जो भी वनरेबल ग्रुप्स हैं उनको इन्वॉल्व करके चले अर्ली वार्निंग सिस्टम्स के अंदर इन्वेस्ट करें एंड 2022 के अंदर फूड सिक्योरिटी का हाल जो थोड़ा खराब हुआ रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से उसको भी यहाँ पर हाईलाइट रिपोर्ट में किया गया नेक्स्ट है W12 ट्वेल्व प्लस ब्लू प्रिंट सो बेसिकली नॉलेज शेयरिंग फॉर वाटर सिक्योरिटी के बारे में ये बात करता है और ये रिपोर्ट यू एन वाटर कॉन्फ्रेंस ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के टाइम पर रिलीज की गई थी ठीक है अर्बन वाटर चैलेंजेस को कैसे डील किया जाए बेसिकली ये इस रिपोर्ट के अंदर है ओके okay, एंड इसमें बेसिकली इंफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड की गई है कि कैसे आप अर्बन वाटर चैलेंजेस के साथ फाइट कर सकते हो दो एन जी ओज एस ओ एस एंड इको सी और यूनेस्को इन्होंने मिलकर के ये रिपोर्ट रिलीज की थी ये जो डाटा है पूरा जो ये इस रिपोर्ट के अंदर है ये काफी डायनेमिक है और इंटरएक्टिव नॉलेज शेयरिंग डाटा बेस है एक तरीके का जहां पर सिटी लेवल पे क्या सिटीज जो हैं वो सोल्यूशन फॉलो कर रही हैं जो बाकी की सिटीज अराउंड द वर्ल्ड फॉलो कर सकती हैं दो सिटीज इंडिया की भी इसके अंदर लिस्टेड थी जिनका ब्लूप्रिंट हाईलाइट किया गया कि आप यूज़ कर सकते हो

सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया की प्लेलिस्ट को जरूर देख लेना उसका लिंक अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आ जाएगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है और उसके अंदर मैं और भी लेक्चर्स अभी ऐड कर रहा हूँ कल दो लेक्चर्स डाले थे तो वो इंपॉर्टेंट स्कीम्स बेसिकली वो सोशल सिक्योरिटी प्लस करंट अफेयर दोनों एरिया हो जाएंगे आपके ठीक है चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा टेक केयर एंड बाय